नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर और आज जो मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ये बहुत जानी पहचानी चीज है हमारे लिए तो है ही। अब मेरी वीडियो देख देख के आपके भी नजर में आती रहती होगी। ये है जलकुंभी, जिसको हम वाटर हायसिंथ कहते हैं। ये यूट्रोफिकेशन की वजह से तालाबों में होती है। इसको हम शोक समुन्दर भी कहते हैं या कई बार फुलवाड़ी भी कह देते, बहुत सारे नाम है इसके। इसकी आप जड़ भी देख रहे होंगे। इसके लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, ये पानी के ऊपर तैरती रहती है और भारत की बहुत सारे तालाब, झील, नदी इसकी वजह से मरे पड़े हैं, चौक्ड हुए पड़े हैं। क्योंकि जब ये तालाब के पानी के ऊपर होती है तो नीचे धूप नहीं पहुंच पाती है और पानी के नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, तो उसके कारण नीचे की जो एक्वेटिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे उपाय पूरी दुनिया भर में खोजे जा रहे हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए, लेकिन आज तक ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन आज तक नहीं देखा गया, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। हालांकि ये भारत में दूसरे देशों से आई और अभी भारत की सारी वाटर बॉडीज पर इसने कब्जा सा कर लिया है। पूरी भारत सरकार इससे परेशान है, गांव वाले लोग परेशान हैं। अभी जो हम इस वाटर हाइसिंथ के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम निकालते रहते हैं, तो आप भी सोचते होंगे कि इसका क्या करते हैं। इसका अभी जो हम करते हैं, या तो हम ऐसे ही खेत वेत में डाल देते हैं, बाद में सूख जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और बाद में स्वतः ही खाद बन जाता है। दूसरा तरीका यह है कि हमने कई तालाबों पे इसको एक गड्ढा खोद के गोबर खाद के साथ मिला के इसको खाद भी बनाया और इसमें क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है तो एक अच्छा खाद का भी काम करता है। लेकिन तीसरा जो हम अभी करने जा रहे हैं वो ये है कि इससे हम कैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के जो कुछ प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं, और फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ लोगों के सपोर्ट से हम इसको टोकरी में, इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, कैप में, उस तरह के हम प्रोडक्ट्स बना जा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं हो पाएगा कि इस खराब सी चीज से इससे सुंदर कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अभी जो हम आज कर रहे हैं, हमने तालाब से कई टन इस तरह की वाटर हाइसिंथ को निकाला है। उसमें से अभी तो हम कुछ केजी आज हमने निकाला है इसमें, और हम वाटर हाइसिंथ का ये जो हिस्सा आप देख रहे होंगे इसको कैसे निकाल के इसका पत्ता अलग कर देते हैं और ये हमारे पास एक हिस्सा बचता है। इस हिस्से को हम बाद में इसको सुखाएंगे, इसके छोटे छोटे, इसको फाड़ के छोटे छोटे इसके पतले पतले टुकड़ा बनाए ताकि रस्सियों की तरह इसको यूज किया जा सके, क्योंकि इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। और उसी रस्सियों को फिर बटोर कर इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। कई जगह सोफा, कुर्सी, इस तरह के भी इसके प्रोडक्ट देखे जाते हैं। तो ये हमारे लिए अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन देश भर में कई जगह इसकी साड़ियां भी बनाई जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हमें सहयोग करें और इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए मैं फाइनली आपको कुछ प्रोडक्ट भी दिखाने जा रहा हूं जो हम इसके बनाने जा रहे हैं, और हम एक महीने बाद इसके बने हुए प्रोडक्ट्स के साथ आपके सामने आएंगे और फिर आपसे राय मांगे कि इससे बेटर क्या हो सकता है। तब तक मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से हमें सजेशन देते रहें और इसके सक्सेसफुल होने के लिए आप प्रार्थना भी करें। थैंक यू सो मच।